आज जब बात करने वाला आपसे कि डिप्रेशन का घरेलू इलाज क्या है, इस दुनिया में 730 करोड़ लोग हैं और डिप्रेशन बहुत झपाट है, बहुत स्पीड से लोगों को आ रहा है। ऐसा हुआ है कि करीब करीब 10 से 15% लोगों को डिप्रेशन है और डिप्रेशन के शिकार होते जा रहे लोग, ज्यादा से ज्यादा लोगों को डिप्रेशन आ रहा है। डिप्रेशन में होता क्या है, निराशा, हताश हो जाता है, निराश हो जाता है, उसको काफी निगेटिव फीलिंग आती रहती है, असहाय होता है, उसको लगता है कभी मेरा कोई है नहीं ये दुनिया में, सामने अंधकार दिखता है, मेरा कुछ हो सकता नहीं है, मैं कुछ नहीं कर सकता हूं, मैं कुछ काम का नहीं हूं, उदास, हताश, रोना आना। अभी ये डिप्रेशन के ऐसे लक्षण जो है वो बीच बीच में आते रहते हैं या कंटिन्यूस रहते हैं। अब लोग साइकेट्रिस्ट के पास में जाके इलाज करने को तैयार नहीं रहते, उनको लगता है कि मैं एक बार दवा ले लूं तो जिंदगी भर दवा खानी पड़ेगी। ऐसा उसका नहीं है, एक बार दवा लिया वो जो केमिकल हो जाए, केमिकल इम्बेलेंस जो है, सेरोटोनिन लेवल जो है, डोपामिन लेवल जो है, वो जो कम हो चुकी है, वो दवाई से अच्छी हो जाती है और वो व्यक्ति अच्छा हो जाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं। मगर जो लोग पसंद नहीं करते डॉक्टर के पास में जाना, साइकेट्रिस्ट के पास में जाना, उनके लिए मैं कुछ ऐसे इलाज बता रहा हूँ कि जो घर में बैठे बैठे वो कर सकेंगे। नंबर एक जो है कि आदमी जब डायरेक्शनलेस होता है, दिशाहीन, तो डिप्रेशन आता है। तो जो भी जिसमें डिप्रेशन है उसने अपना गोल पक्का करना चाहिए, अपना गोल सेट करना चाहिए, क्योंकि मेरे गोल्स क्या है, मेरे को करना क्या है, जिंदगी में करना क्या है। क्योंकि जब डायरेक्शनलेस होता है तब डिप्रेशन ज्यादा आता है, और बहुत बड़ा यदि गोल है क्या होगा तो भी डिप्रेशन आता है। तो वो जो गोल है या जो टारगेट है उसके टुकड़े टुकड़े करके एक छोटा छोटा टारगेट लेना, ताकि छोटे रिजल्ट जब आते हैं, छोटी सफलता मिलती है तो बहुत अच्छा लगता है। तो डायरेक्शन नहीं तो डायरेक्शन ले लो, गोल्स पक्के किए नहीं है तो गोल्स पक्के करो, और गोल्स को टुकड़ों में तोड़ो, ताकि छोटा टुकड़ा है, मतलब छोटा जो गोल है वो हम अचीव कर सकेंगे, उससे अच्छा लगता है। नंबर एक। नंबर दो, अच्छा बोलो, हरदम यही देखना कि भाई कुछ भी हो रहा है मैं बोलूंगा अच्छा, मतलब मेरा जो टॉकिंग है, बातचीत करना है वो अच्छे बोलो, क्योंकि जो आप बोलते हैं वैसा हो जाता है। मराठी में बोलते कि शुभ बोल रहे मारे, इसका मतलब यह है कि अच्छा बोलो, हरदम अच्छा बोलो, वैसे अच्छा सुनो। तो अच्छा सुनो मतलब अच्छे वीडियोस जो होंगे वो सुनो, देखो अच्छे ऑडियो वो देखो सुनो, बुक जो है पॉजिटिव पॉजिटिविटी देने वाले वो बुक्स को पढ़ो, टीवी चैनल के ऊपर जो भी पॉजिटिव होगा उसको देखो, आजकल तो टीवी चैनल के ऊपर दिखते हैं पॉजिटिव, तो मीडिया से दूर रहो, और जहां भी जो भी निगेटिव चैनल, निगेटिव सीरीज जो है, निगेटिव चल रहा है उसके उसे दूर रहो, जो भी पॉजिटिविटी है, जो भी पॉजिटिव चैनल होगा, कोई प्रवचन होगा, कोई सत्संग होगा उसको सुनो। तो पढ़ना, देखना, सुनना, बोलना, ये सब पॉजिटिव होना चाहिए, और अपने टारगेट्स पॉजिटिव रखना चाहिए। वैसे अपने मन में जो भी आ रहा है वो अपने मन में ना रखते, उसको बोल के बताओ लोगों। जब आप किसको बोलते हैं अपना मन खाली कर देते बहुत अच्छा लगता है, लोगों को बोलना, शेयर करना लोगों के साथ में, उससे बहुत हल्का लगता है। और अकेला नहीं रहना, अकेला के रहेंगे तो ज्यादा ज्यादा नेगेटिव थॉट्स आते रहते हैं, और वो इतने मल्टीप्लाई होते रहते हैं नेगेटिव थॉट्स कि कभी कभी आदमी सुसाइड के रास्ते भी चल जाता है, सुसाइड अटेम्प्ट कर लेता है, मतलब खुदकुशी का कोशिश करता है या खुदकुशी कर लेता है। तो अकेले नहीं रहने का, लोगों के साथ में रहने का है, बातचीत करना है, सब पॉजिटिविटी अंदर जितनी जा सकती है उतना अंदर डालना है पॉजिटिविटी। और जहां भी आपको अपराधीपन की भावना आ रही कि मैंने कोई गलत किया, अपराध किया हुआ है, उससे जो अपराधीपन की भावना आ रही है या गिल्ट फीलिंग हो रहा है, वो लोगों को बोल के बताओ, कम्युनिकेट करो। जहां भी ऐसा आपको लगता है कि नहीं मैं अप्रामाणिकता से काम कर रहा हूँ, प्रामाणिकता से काम करना चालू करो। जहां जहां भी आपको लगता है कि मैं झूठा कुछ कर रहा हूँ, छुपा रहा हूँ, तो वो भी देखो कि अपन कहाँ छुपा रहे, क्या छुपा रहे। तो अप्रामाणिकता देखो और उसको पूरा करो, लोगों से बातचीत करके वहां प्रामाणिकता लाओ। और जहां भी हम खुद को ऐसा निगेटिव सोच रहे हैं, खुद को क्रिटिसाइज कर रहे हैं, अतीत में मैंने ऐसा किया, अतीत में वैसा किया, अतीत में मैंने ऐसा नहीं करना चाहिए था, ऐसा जो चल रहा था दिमाग में उसको पूरा करो, उसको पूरा करो, मतलब जो हो गया वो हो गया, उसको मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। अभी डायरेक्शन मुझे फ्यूचर में करना क्या है,
उसके डायरेक्शन लो, उसके बारे में बातचीत करो। तो एक घरेलू उपचार में यह है कि जो अतीत हुआ है, जो भूतकाल है, उसके बारे में बातचीत करना बंद करो, जो हो गया वो हो गया, वो फाइल बंद कर दिए। तो ऐसा घरेलू उपचार करते हैं डेफिनेटली, तो उसे फायदा हो रहा है, उसको रास्ता दिखता नहीं है, तो चर्चा करने से उसको रास्ता मिल जाता है और वो शक्तिशाली बन के अपना जीवन जो है वो खुशहाल कर सकता है, जीवन में खुशी ला सकता है। जब इसमें कोई काम नहीं कर रहा है तो फिर दवा लेना तो बहुत जरूरी है। कभी कभी डिप्रेशन ज्यादा होता है तो उसके लिए सिर्फ जो साइकोथेरेपी मानसोपचार वो काम का नहीं रहता, दवा लेना है और दवा से भी अच्छा हो सकता है। अब हिप्नोसिस का भी लोगों को ट्रीटमेंट देते, हिप्नोथेरेपी, जिससे लोग खुद को सम्मोहित करते, या फिर मैं लोगों को सम्मोहित करता हूँ और उनको अच्छे 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 सजेशन अंदर उनको देता हूँ, मतलब सबकॉन्शियस माइंड को बार 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 पॉजिटिव सजेशन देना। तो ये मेरे क्लिनिक में मैं करता हूँ या फिर लोगों को सिखाता हूँ, वो अपने घर जाके स्वसम्मोहन करके, सेल्फ हिप्नोसिस करके रोज खुद को सकारात्मक सूचनाएं, और सकारात्मक सूचना अंतर्मन में रोज 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 डालने से भी डिप्रेशन निकल जाता है। तो सकारात्मक सूचनाएं देना, सकारात्मक विजुअलाइजेशन करना, डायरेक्शन तैयार करना, ये सब उपचार करते हैं तो डिप्रेशन से अच्छा हो जाता है व्यक्ति और अच्छा जीवन वो बिता सकता है। जैसा मैंने बोला कि 10-15% लोगों को डिप्रेशन है, वो डॉक्टर के पास में जाते हैं, कुछ लोग जाते भी नहीं है। आपके आसपास में ऐसे काफी लोग होंगे, उनको जरूर ये वीडियो शेयर करो, सर्कुलेट करो, आपके फेसबुक के ऊपर, व्हाट्सएप ग्रुप के ऊपर शेयर करो, ताकि लोगों को इससे फायदा हो। हमारा लक्ष्य है कि मेंटल हेल्थ फॉर ऑल, सबके लिए मानसिक स्वास्थ्य और व्यसन मुक्त भारत, उसमें आपका हाथ लग जाएगा। थैंक यू वेरी मच।